बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के बावर्ची खाना में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करने के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सा चिकन 65, जो मैं खा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार है, बहुत आसान, बहुत सिंपल इन्ग्रीडियंट्स, बहुत जल्दी बन जाने वाला है। तो हमने ये कैसे बनाया है, आइए हम सीखते हैं। जी दोस्तों, तो हमारे पास आधा किलो चिकन है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा टी स्पून नमक, आधा टीस्पून चिकन पाउडर, एक टीस्पून भुना हुआ कटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, दो टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अदरक, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स ये। इसके साथ साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे एक अंडे की सफ़ेदी, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी दोस्तों, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे डेढ़ टी टेबल स्पून मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, डेढ़ टेबल स्पून मेरे पास है बेसन। आप लोग चाहें तो फ्रेंड्स इसमें चावल का आटा भी डल सकता है और मैदा भी डल सकता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा हूँ, क्योंकि बेसन हर घर में इजीली अवेलेबल होता है और कॉर्नफ्लोर भी अवेलेबल होता है। आप मैदा डालना चाहें आप मैदा डाल लें, आप इसके अंदर चावलों का आटा डालना चाहें आप चावलों का आटा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर सिंपल कॉर्नफ्लोर और मैदा डाला है। ठीक है, तो अब हम इसे छोड़ देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए, मीडियम आग पे इसको 6 से 8 मिनट हम फ्राई करेंगे। ओवरलोडेड नहीं कीजिएगा, बस एक टाइम पे हम 8 से 10 फ्राई कर लेंगे। जी दोस्तों, तो ये फ्राई होगी, इसे निकाल लेंगे और बाकी वैसे फ्राई कर लेंगे। जी दोस्तों, हमारा चिकन रेडी हो चुका है, अब हम इसका तड़का यानी इसका भखार और स्पाइसी वाला जो तड़का वो रेडी कर लेते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, जो हमारे पास लहसुन था हम वो इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन 3 जबे मेरे पास लहसुन के थे। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, लहसुन की खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची जो मैंने काट के रखी थी वो शामिल करेंगे, ये फटने लगी है, तो इसके अंदर हम कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, तकरीबन 10 से 12 पत्ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और जो हमारी फ्राइड चिकन है वो इसमें डाल देंगे, इसे टॉस करेंगे इसमें। जो हमारे पास काली मिर्च और चाट मसाला था वो इसके ऊपर छिड़क देंगे, इसे एक दफा फिर से टॉस करेंगे। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। जी दोस्तों, हमारा मजेदार सा चिकन 65 रेडी है, तो अब इसको करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कैसा बना। जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मज़ेदार बना, इतना मज़ेदार बना, मैं आपको क्या बताऊं। इवन जो मैंने रेस्टोरेंट पे खाया था उससे भी अप लेवल का बना। सबसे बड़ी बात है इसकी टेंडरनेस देखें, कितनी सॉफ्ट है ये देखें, आराम से टूट रही है, सही है। और उसके अंदर जो हमने आधा घंटा उसको मैरिनेट करके रखा, फ्लेवर्स उसके अंदर ज़ीरे का, चिकन पाउडर का, फाइनली जो हमने तड़का लगाया लहसुन कड़ी पत्ता हरी मिर्च का, awesome। वाकई में चिकन 65 बन गया है। इसको कहीं चिकन 365 का नाम भी दिया जाता है, कहीं चिकन 360 का नाम दिया जाता है, कहीं चिकन 65 का नाम दिया जाता है। तो हमने जो बनाया हुआ चिकन 65, होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।